Directed by Rajkumar Gupta, set in the 1980s, Raid is based on the real events involving one of the most high-profile income tax raids in the country has ever known. Talking about meeting the real man whose character Ajay played in the film, he said, "Real life ke us insaan se mile honge jinki zindagi pe is ya jis katha pe aadharit hai. Kya kya cheezein aapko janne ko mili ki raid के दौरान क्या क्या होता है और उसकी मानसिक स्थिति पे क्या बातें? वो सब फिल्म में है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमें बहुत आसान लगता है, और स्पेशली 80s में जब माहौल बहुत अच्छा नहीं था, मतलब कि यहाँ तक के किस्से रितेश और राज आपको बताएंगे जहाँ पे उनको कई लोगों को आई थिंक काट के गटर वटर में भी फेंक देते थे. तो दे यूज टू गो थ्रू अ वेरी हार्ड टाइम. तो ये सब किस्से जब सुनो आप तो ऐसे लगता था कि यार ये कैसे करते होंगे. और उनसे आप मिल भी चुके हैं, तो थोड़ा अगर आप उनके बारे में जिक्र करें जिनकी जिंदगी पे आधारित फिल्म, उसके बारे में राज आपको ज़्यादा बताएंगे. जिस तरह से जो बहुत सारी जो कहानियाँ होती हैं वो बहुत पब्लिसाइज्ड होती हैं, ये एक ऐसी कहानी थी जो इतनी इंस्पायरिंग थी और जो ज़्यादा पब्लिसाइज नहीं थी बट बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी थी. उसमें इट्स वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेड एट दैट पॉइंट. एंड जिस तरह के माहौल में और जिस तरह के एनवायरनमेंट में ये रेड की गई थी, और क्या था कि हमें ये भी देखना है कि उस समय मीडिया भी उतनी ये नहीं थी कि सभी चीज़ों को हाईलाइट कर दिया जा सके, तो काफ़ी डेंजरस रेड्स हुआ करते थे. लोग जाते थे तो फिर कब घर वालों को ये भी पता नहीं होता था कि कब वो वापस आएंगे. तो उस हिसाब से ये भी रेड बहुत ही डेंजरस था, और एज अजय सर ऑल्सो पॉइंटेड आउट, इट वॉज लॉन्गेस्ट रनिंग रेड. और काफ़ी सिर्फ लॉन्गेस्ट रनिंग रेड ही नहीं थी, इसमें जब आप केस के अंदर जाते हैं, जब आप देखते हैं तो इतने सारे डायनमिक्स थे, इतने सारे पत्ते खुल रहे थे, एंड दैट्स वॉट मेड दिस केस वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू बी ब्रॉट ऑन स्क्रीन, एंड इट वॉज वेरी इंस्पायरिंग. और जैसा कि अजय सर ने पहले बोला कि बहुत बार ये होता है कि हम जो यूनिफॉर्म में लोग होते हैं उनकी वो जो जिस तरह के हीरोइक एफर्ट करते हैं हम उनको देखते हैं, बट बहुत सारे लोग, चाहे वो इनकम टैक्स ऑफिसर हों, बाकी ऑफिसर्स हों, रियल लाइफ लोग हों, वो बहुत सा हीरोइक काम ऐसा कर जाते हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं, बट उन कहानियों को हमें जानना चाहिए. और ये एक एफर्ट है हम और हमारी पूरी टीम का कि एक ऐसी कहानी कही जाए और उस इंस्पायरिंग कहानी कही जाए और वो पर्दे पे लाए जाए. रेड ऑल्सो स्टार्स लियोनार्डो डिक्रूज एंड रिलीजिंग ऑन मार्च 16, 2018.